वेलकम ऑन इजी लर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर इट इज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज इट इज रिटर्न बाय पर्ल एस बक इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल ओनली एक्सप्लेन अबाउट द ऑथर पर्ल एस बक शी वॉज बोर्न इन 1892 एंड शी डाइड इन 1973 तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो पर्ल एस वक्त जो है ये बर्थ से तो मतलब बर्थ से अमेरिकन बर्थ बर्थ से जो है अमेरिकन थे वॉज रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट्स लेकिन उनके पेरेंट्स मिशनरी थे तो उनके द्वारा जो है चाइना में उनका पालन पोषण हुआ रियर मीन्स होते हैं पालन पोषण होना शिटाउट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी वो उसने जो है चाइनीज यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई शी इज़ नॉन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमस वह जो अपनी ट्रैवलॉग और मेमवार्स के लिए जानी जाती है ये ट्रैवलॉग और मेमवर्स क्या होते हैं ट्रैवलॉग तो होते हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं उसके बारे में आप लिखते हैं उसको ट्रेवलॉग कहा जाता है और मेमवार्स होते हैं कि अपनी स्मृति या अपनी जो मेमोरी होती है किसी चीज़ की उसके ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसको मेमवर्स कहा जाता है शी रोड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ आर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल लिसिट एंड एफर्टलैस इंग्लिश उसने अपनी विजिट्स में कुछ खास अकाउंट्स के बारे में लिखी अलग अलग देश के बारे में जहाँ जहाँ वो घूमी जहाँ जहाँ वो गई विजिट की और उनका लैंग्वेज जो था वो सिंपल था सुंदर था लिसिड था और एक एफर्टलेशस इंग्लिश था एक एफर्टलैस इंग्लिश का मीनिंग होता है कि जो इंग्लिश जो है इतना इजी भी नहीं होता है कि आप उसको आसानी से समझ सको ठीक है उस पर काफी मेहनत किया हुआ होता है तो इसी को एफर्टलेस इंग्लिश कहा जाता है शी वन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। अब ये सब करने के बाद उनको नोवल प्राइज भी मिला और ये प्राइज उनको 1938 में मिला नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क आर द गॉड्स अर्थ नाइनटीन उनके जाने माने हुए जो मुख्य वर्क हैं उनमें से कुछ वर्क हैं Uh, वो है द गॉड्स अर्थ जो 1931 में लिखा गया ए नावल ऑन चाइना एक नावल चाइना के ऊपर लिखा गया एंड कम माई इट विद इंडिया एज ए बैकग्राउंड और कम माई इट जो है वो इंडिया के साथ जो है बैकग्राउंड के रूप में लिखा गया द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू ए ट्रेलर साइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स ये जो प्रेजेंट पीस है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई ये माई सेवरल वर्ड्स का एक एक्सट्रैक्ट है मीन्स एक हिस्सा है मतलब स्टोरी बहुत बड़ी रहती है तो उसका एक पार्ट अगर हम काट के लिख देते हैं कोई भी पार्ट छोटा सा तो उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ आर लाइफ और ये जो है माई सेवरल वर्ड्स या ये जो स्टोरी जो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आय ये पर्ल एस बक जो है अपनी पर्सनल रिकॉर्ड इन्होंने लिखी है जहाँ जहाँ वो गई थी घूमने के लिए इट शोज़ हर लव फॉर द पोरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। इंडियन विलेजेस में जो गरीब लोग रहते हैं सबसे गरीब लोग रहते हैं उनके प्रति भी यह जो है प्यार बताती है कि कितना वह उन लोगों के प्रति भी प्यार करते थे कितना उनको मानते थे तो अब हम नेक्स्ट पार्ट से जो है चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और Uh, uh, you need to just share th these videos in your friends. you can also uh, 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 promote the channels as much as you can or you can also uh, uh, just help the students who don't have the accessibility or the approach to have such uh, videos which are very important not only for the uh, exam point of view but also for the language purpose uh, for the future if you join any company in future if you uh, prepare for the la on the language in future it would be uh, the good medicine uh, for your life and uh, i think that uh, it would be uh, very helpful for you so i hope that everything would be fine with you so best of luck